ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सुबह बोलेगा में स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक देश एक कानून पर। तो कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता की चर्चा एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। यह चर्चा कोई पुरानी नहीं है। कोर्ट ने देश के सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू लॉ 1956 में बनाया गया था लेकिन 63 साल बीत जाने के बाद भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास नहीं किए गए। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने गोवा की मिसाल दी है। दरअसल गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। देश के केवल एक ही राज्य में यह अहम कानून लागू है। एक देश एक कानून की मांग पर कई लोगों को आपत्ति भी है और कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल इन सब से परे ये उठता है कि देश में समान नागरिकता संहिता होनी चाहिए लागू। आखिर लोगों को क्यों है इस पर आपत्ति? आज के इस खास मसले पे लेंगे जनता की राय, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट को। एक देश एक कानून यानी समान नागरिक संहिता फिर चर्चा में है। संविधान में समान नागरिक संहिता लागू करने की स्पष्ट मंशा और उद्देश्य के बावजूद राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से सरकारें सीधे तौर पर कोई कदम उठाने से बचती रही हैं। हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून की मांग लंबे समय से चल रही है। देश की सर्वोच्च अदालत भी सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने को कह चुकी है, लेकिन अभी तक देश के नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मिला है। वहीं गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा हिंदुस्तान का एक ऐसा अकेला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। यह सिविल कोड आज भी गोवा में लागू है। इसको गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि गोवा साल 1961 में भारत में शामिल हुआ था। गौरतलब है कि गोवा को छोड़कर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों की शादी को मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल एक्ट और ईसाइयों के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज बनाए गए हैं। इसी तरह उत्तराधिकार और तलाक को लेकर भी सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। हालांकि एक देश एक कानून को पूरे देश के अन्य राज्यों में लागू करने को लेकर कई लोगों को आपत्ति है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसकी मांग को लेकर अडिग हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि गोवा की तर्ज पर पूरे देश में लागू होना चाहिए एक सा कानून, देश में लागू हो समान नागरिक संहिता या नहीं। आइए और खुलकर रखिए अपनी राय और बनिए पूरे देश की आवाज। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो तीन तलाक और धारा 370 हटने के बाद अब सरकार के एजेंडे में सबसे बड़ा कानून एक देश और एक देश एक कानून लागू करना है। इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे और जनता की राय आज के इस मुद्दे पर बेहद खास हो जाती है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आपको फोन करके अपनी राय देनी और इस चर्चा पे हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, आप सबसे उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सर्वेश द्विवेदी है, निर्देशन राजधर्म से। सर्वेश जी स्वागत है आपका आज की चर्चा में। आपसे मेरा प्रश्न यही है कि अगर बात की जाए आज के इस परिपेक्ष को देखते हुए, क्योंकि सरकार का भी एजेंडे में तीसरा सबसे बड़ा कानून भी है, लेकिन AIMPLB के महासचिव मौलाना सैयद वली रहमानी का यह कहना है कि विधि आयोग ने भी अपने पत्र में स्वीकार किया है कि यह अव्यवहारिक होगा इसको लागू करना। सर्वेश जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। जी
आपसे मेरा यह कहना है कि AIMPLB के महासचिव ने कहा है कि यह भारत में UCC लागू करना अव्यवहारिक है। देखिए, भारत में संविधान सर्वोपरि है, बिल्कुल, और नागरिक के लिए और लोक व्यवस्था के लिए संविधान में पूरी व्यवस्थाएं दी हैं, बिल्कुल। नागरिक के जो अधिकार हैं वो समान हैं और समान होना भी चाहिए। इसी देश में जी दो कोड हैं, एक सिविल कोड और एक दूसरा क्रिमिनल कोड। सिविल कोड के तहत ही जितने भी कानून हैं वो संसद बनाता है समाज के लिए और समाज उसको स्वीकार करता है। तो इसमें जो अंतर किया गया है जी उसका मुझे कारण लगता है कि 1947 से पूर्व ही मुस्लिम पर्सनल लॉ जाएंगे। सर जी, एक दर्शक बंगाल से जुड़ चुके हैं अमित, अपना अपनी राय रखिए आप जी। अमित अपनी राय रखिए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। बोलिए सर जी, राय रखिए अपनी। नमस्ते सर जी। नमस्कार अमित जी, राय रखिए। धन्यवाद सर आपसे बात करने के, मेरे राय लेने के लिए। जी अमित जी, राय रखिए। हाँ जरूर सर, मेरी तो राय है सर, मेरा देश में एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए बराबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल, एक देश हो रहा है तो एक ही कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग रहते हो, सभी के लिए एक देश में एक कानून बनना बेहद ही अनिवार्य है। सर्वेश जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मेरा यह कहना है कि संविधान में अनुच्छेद 44 जी जिसमें सिविल कोड की बात कही गई, समान नागरिक संहिता बने जी, और इसके लिए जो है आर्टिकल 14 जिसमें कि व्यक्ति के लिए कहा है कि सभी को समान कानून के तहत समान अधिकार जी। तो कानून जब अलग अलग होगा तो समान अधिकार कैसे होंगे? बिल्कुल। और इसलिए जो है इसको जो बाइफरकेट करते हैं उसका कारण यह है कि पब्लिक को गुमराह करने के लिए आर्टिकल 25 में रिलीजन के बारे में कहा है कि उसका रिलीजन का अधिकार है, तो वो किसी को मनाही नहीं, चाहे जैसे जो उपासना करे। बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल 29 में जो कहा गया सांस्कृतिक और शिक्षा, तो जो माइनॉरिटी के लिए सांस्कृतिक और शिक्षा माने कला और संस्कृति है वो उसके लिए कोई फर्क नहीं, उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन सिविल कानून तो सभी के लिए समान होने ही चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर प्रश्न किया तो सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा साफ है कि आर्टिकल 44 का पालन करिए, सरकार उसे पालन कराए और उसके लिए कानून बनाए। आर्टिकल 44 पे हम आपसे बात करेंगे। एक मिनट सर्विस को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक दर्शक आलम जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। आलम जी अपनी राय रखिए। सबको समान अधिकार की व्यवस्था दी गई है। नमस्कार सर जी। जी आलम जी, राय रखिए। मेरी राय ये है कि एक कानून और एक की आप बात कर रहे हैं, अभी आपके चैनल पे 3 दिन से डिबेट चल रही है जी कि मोटर व्हीकल पर कहाँ एक कानून है। हम आजमगढ़ में कुछ चालान दे रहे हैं, गुजरात वाले कुछ चालान दे रहे हैं और दिल्ली वाले कुछ चालान दे रहे हैं जो करती है, कहाँ एक कानून लागू है जी। ये खाली कानून बना देना काम नहीं है, कानून का पालन कराना भी बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आलम जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने जो अपनी बात भी रखी, कहीं ना कहीं उस हर राज्यों में स्थिति अलग है, ये भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी आ सकता है इस बात को। सर्वेश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि ये जो संविधान में व्यक्ति के जो अधिकार हैं, सिटीजन के अधिकार हैं, और व्यवस्था लोक व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था है उसको करने का काम जी संसद का है और सरकार का है, और संसद सरकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत चलती है, और नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 में कहा है कि समान कोड बिल लाया जाए। बिल्कुल। लेकिन इतने वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, लेकिन उसके लिए कार्य नहीं किया गया। मुझे लगता है कि ये सरकार, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर निर्णय लिया और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सरकार कानून लाई और संसद में कानून पास हुआ, वैसे ही ये सिविल कोड भी पास होगा। इसके लिए हिम्मत करके और समाज को समझा करके कानून बनाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। हाँ, लेकिन सर्वेश जी अगर बात की जाए, इसमें दो प्रमुख बातें हैं। नहीं, नहीं, एक बात तो है मैरिज की, बिल्कुल, और दूसरी बात जो है परिवार में
एडॉप्शन से लेकर के प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की, बिल्कुल ये इसमें दो असमानताएं हैं। तो जब एक जैसा कानून होगा तो एक समानता आएगी, वो एक आर्थिक विषय भी है और एक सामाजिक विषय भी है। तो आर्थिक सामाजिक में न्याय होना चाहिए और न्याय में आर्टिकल 14 का महत्व है, इसलिए उसके अनुसार करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक के लिए समान होना चाहिए। लेकिन अगर बात सर्वेश जी मुस्लिम संगठनों की जाए तो उन्होंने इस पर कोर्ट की इस टिप्पणी पर लिखा है कि उनका यह मानना है कि इस विविधता वाले देश में ये ना तो व्यवहारिक होगा और ना ही लागू करना संभव हो पाएगा, इस पर क्या आपका कहना होगा? देखिए, मेरा ये इसमें आग्रह है कि जो इसका विरोध करते हैं, अभी एक एक बंधु ने और मोटर व्हीकल एक्ट में जो पनिशमेंट आया उसके लिए कहा अलग अलग है जी, लेकिन उस पनिशमेंट में आर्थिक आमदनी सबकी अलग अलग है, लेकिन पनिशमेंट एक ही है और परिवर्तन किया भी गया तो घटाया गया, लेकिन पनिशमेंट में यह परिवर्तन नहीं हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। ऐसे ही क्रिमिनल में जब कोई दिक्कत नहीं है तो सिविल में दिक्कत क्यों आ रही है? वो भी आर्थिक विषय है, सामाजिक विषय है। तो आर्थिक और सामाजिक विषयों को अभी जो तीन तलाक में आया इसमें अगर उसका पालन नहीं होता तो आपराधिक माना भी जाएगा और उसके लिए भी दंड है, तो उसको भी धीरे धीरे समाज ने अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। इसकी एक मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और ग्लोबल सोच बनाने की जरूरत है। वैश्वीकरण का सोच होगा तो यह सब चीजें सामान्य हो जाएंगी। नहीं, चलिए आपने अपनी बात रख ली, लेकिन अगर आर्टिकल 44 की बात की जाए तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है आर्टिकल 44, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण की बात करता है, लिंग समानता की बात करता है। लेकिन अगर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दें तो कई समस्याएं आ जाएंगी। मैं एक दो बिंदुओं पर आपका प्रकाश डालना चाहूंगा कि सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करने की जो बात है वो आ जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण होगा इस कानून के तहत? कतई नहीं। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है भी। और उसमें जो है अंतःकरण की और धर्म की जी अबाध गति से मानने और उसका आचरण करने और प्रचार करने की व्यवस्था है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सभी कर रहे हैं, हिंदुओं में तो बहुत प्रकार के हैं जो उसे स्वीकार कर रहे हैं जी। लेकिन अगर बात जैन है, बौद्ध है, सिख है, और हिंदुओं में भी शिवैत है, लिंगैत है, वैष्णव है जी जी, शाक्त है, तो इस गणपत्य है, इस प्रकार से इसमें विभिन्न होते हुए भी धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म को समझने की जरूरत है। यह जो विरोध हो रहा है यह धर्म का नहीं है, यह आर्थिक और सामाजिक विरोध है, क्योंकि अर्थ में जी बच्चों को, बेटी को, बेटे को और परिवार के अन्य सदस्य को जो प्रॉपर्टी राइट मिलेगा वो समान होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही समाज में जो मैरिज है वो इनके यहाँ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। एक मिनट रोकना चाहूंगा सर्वेश जी, आपको हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं कैलाश झांसी से। कैलाश जी आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ सर, प्रणाम सर जी। प्रणाम कैलाश जी, राय रखिए। सर जी, हमारा ये कहना है कि एक विधान और एक निशान अगर प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, अगर ये लागू करने जा रहे हैं तो ऐसी क्या बात होती है कि इनका हर काम, हर पार्टी जो खिलाफ पार्टियां हैं वो केवल निगेटिव ही सोचती हैं। अगर कोई अच्छा कर रहे हैं, जैसे तीन तलाक है, 370 है, अच्छे काम किए हैं तो अच्छे उस पर खड़े होना चाहिए ना, साथ देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। लेकिन हर चीज में निगेटिव सोचना ये तो देश को भी हानि पहुंचाता है ना, ये ऐसा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, अपनी आपने राय रखी। तो लगातार दर्शकों की राय आ रही है कि कहीं ना कहीं इसको लागू भी होना चाहिए, लेकिन अगर सामाजिक परिदेश की बात की जाए, व्यक्तिगत चीजों की बात की जाए, सर्वे जी एक और प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा, क्या व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस नियम के लागू होने से? देखिए, व्यक्तिगत में राज्य का हस्तक्षेप उतनी ही सीमा में बढ़ेगा जिसमें पब्लिक ऑर्डर ठीक रहे, और पब्लिक ऑर्डर अगर प्रभावित होता है तो किसी एक व्यक्ति के विशेष अधिकार होंगे, एक के अधिकार कम होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, स्त्री पुरुष से संबंधित हो, भाई बहन से संबंधित हो, तो यह इसमें सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो उसमें समानता लाए और आर्टिकल 14 का उसमें पालन कराए। लेकिन अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम और ईसाई, ये जो है ये कर्तव्य है जी।
आज हम चर्चा कर रहे हैं एक देश एक कानून की, जिस प्रकार से लगातार दर्शकों की आज राय आ रही, क्या देश में एक कानून लागू होना चाहिए। बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एक बार फिर से इसमें चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है, फिर से सियासत भी शुरू हो चुकी है और इसी पर दर्शकों की राय आज बेहद खास हो जाती है। हमारे साथ एक मेहमान सर्वेश जी जुड़े हैं। सर्वेश जी, आपसे एक और मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार से अगर हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म की बात की जाए तो सबके लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं। शादी हिंदू मैरिज लॉ एक्ट अलग है, शादी का मुस्लिमों की शादी का पर्सनल बोर्ड अलग है, सबके बोर्ड अलग अलग है। क्या आपको लगता है इन सबको अलग अलग है मनाना मुनासिब हो पाएगा या नहीं? देखिए, ऐसा है कि किसी चीज की, किसी कानून को जब एमलगमेशन किया जाता है तो जो जो पब्लिक के हित में, नागरिक के हित में जो होता है उसके लिए उसका महत्व है और उसके अनुसार करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो और ये पारसी हो, इन सबके लिए जो उनके उपासना के तौर तरीके हैं उसमें कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं है। केवल दो बातों के लिए है, एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको, मैरिज के लिए और दूसरा है प्रॉपर्टी के लिए। सर्वेश जी रोकना चाहूंगा आपको, एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, अपना राय रखिए। हेलो जी, राय रखिए। हेलो जी, श्याम जी आपकी आवाज हमारे तक आ रही है, अपनी राय रख सकते हैं आप। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, राय रखिए। जो बात है संविधान एक है, सभी नागरिक बराबर है, समानता का अधिकार है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर होना चाहिए। किसी भी धर्म जाति वर्ग विशेष या उसके लिए कोई रोकटोक नहीं है जी, हो सके कोई। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने अपनी राय रखी। बिल्कुल सबके लिए एक समान अधिकार लागू होना चाहिए, लेकिन धरातल और वास्तविकता की अगर बात की जाए तो सामाजिक स्तर में इतनी ज्यादा विविधता है, कहीं ना कहीं इसको लागू करने में दिक्कत होगी। सर्वेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैंने ये कहा कि ये जो है, अब जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है जी, स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी उसमें विवाह कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जब कोई भी कर सकता है उसका रजिस्ट्रेशन होगा स्त्री पुरुष, तो इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट जब लोगों को स्वीकार है और इस देश में है तो सभी के लिए समान एक्ट क्यों नहीं हो जाता? और यही प्रॉपर्टी के राइट की बात है कि समान प्रॉपर्टी राइट हो। बिल्कुल, तो जब ये दोनों राइट समान रूप से हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मिलेंगे तो फिर ये समान कोड बिल के तहत इसे स्वीकार किया जाएगा और उसी के तहत बनाना भी चाहिए। चलिए, आपने कहा कि समान सिविल कोड के तहत स्वीकार किया जाएगा, उसी के तहत बनाना चाहिए, इस पे भी कई विविधताएं हैं, इस पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। एक दर्शक गजेंद्र भाई साहब राजस्थान से जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, अपनी राय रखिए। गजेंद्र जी राय रखिए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। गजेंद्र जी राय रख सकते हैं आप? चलिए, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं सुन पा रहे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। उमेश जैन एक दर्शक मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी राय रखिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक देश में एक कानून होना चाहिए जिसे सख्ती से उसे लागू कराना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए जिससे जनता को परेशानी होती है और ये उसका कानून का पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी राय रखने के लिए। एक दर्शक दिल्ली से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अपनी राय रखें। आपको रणजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। मेरे कहने का मतलब ये है जी, एक कानून देश का, जो एक कानून की बात कर रहे हैं, जो कानून बना हुआ है उसी पर अमल नहीं हो रहा है। लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वहाँ मिल नहीं रहा है। अभी आप इनसे कहाँ तक सहमत रहेंगे, जो आपके इस पे वो बैठे हुए हैं हमारे मेहमान साहब, इस पे कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी अपना राय रखने के लिए और अपना प्रश्न रखने के लिए। सर्वेश जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, ठाकुर अनिल हमारे साथ एक दर्शक दिल्ली से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि आज भी लड़कियों को उनका हक नहीं मिल रहा, चाहे प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अभी भी हक मिलना मुश्किल हो रहा है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि अभी तो इसी पर मतभेद नहीं खत्म हो रहा है, तो आगे हम क्या और चर्चा करेंगे? देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक कानून और दूसरा कानून का इन्फोर्समेंट। कानून का इन्फोर्समेंट कराने का काम न्यायालय के द्वारा सरकार का होता है,
और जो कानून बनाना है वो संसद का होता है। जब कानून समान होगा तो इन्फोर्समेंट के लिए भी सरकार और समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, चलिए आपने कहा इन्फोर्मेंस के लिए समाज और सरकार दोनों आगे बढ़ेगी, इसी पर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक कानपुर से हमारे साथ सुरेश जुड़ चुके हैं। सुरेश जी अपना राय रखें। सर मैं ये कहना चाहता था जो कानून बनता है वो एक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब मंत्री का बेटा जा रहा है स्कूटर से। हाँ सर मैं ये मेरी आवाज आ रही सर? आपकी आवाज आ रही, अपनी राय रखिए आप। हाँ मेरा ये कहने का मतलब है कानून एक होना चाहिए, अगर मंत्री का बेटा जा रहा है अगर कोई गाड़ी में अपराधी कर दी है या कोई काम कर दिया उसके लिए तो छूट है, और जो गरीब आदमी जा रहा है उसके लिए तो बाहर कानून लग नहीं जाते, ऐसा ये कौन सा न्याय है सर? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपने भी अपनी राय रखी। और एक दर्शक हापुड़ से हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र राय रखे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ऐसी बात है कि एक देश में एक कानून लागू होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति में विभिन्नता है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, सब स्टेट का सब जगह का देश भाषा भूषा अलग है। एक कानून लागू करके देश में इमरजेंसी लगाना चाहता, अभी नरेंद्र मोदी जी पर इतनी विश्वसनीयता लोगों की थी, लेकिन अंधा कानून ट्रैफिक कानून लागू करके इनके बात पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी राय रखने के लिए। एक दर्शक संजय हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। संजय आप अपनी राय रखें। जी नमस्कार। एक कानून तो होना चाहिए सर, लेकिन उसके साथ साथ जो किसी भी विभाग में कानून या किसी भी विभाग में कानून लगाई जाए सर तो उसका सही तरह से पालन होना चाहिए। ये अक्सर भूल जाते हैं कि जनता के पैसा से इनको ही तनख्वाह मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। राजेश एक दर्शक राजस्थान से जुड़े हैं। राजेश जी प्रश्न पूछे। हेलो जी राजेश जी प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार राजेश जी प्रश्न करें। सर मैं ये मेरा ये कहना कि पूरे देश एक है तो हमारा कानून भी एक होना चाहिए। हो जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, अपने अपनी राय रखी कि एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। एक दर्शक मोहम्मद अली जौनपुर से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साहब राय रखे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। एक कानून या हिंदी सुप्रीम कोर्ट जो गोवा में लागू है वो पूरे भारत में लागू किया जा सकता है एक, और लेकिन अभी एक जब तक सवाल किया था कि हिंदुओं में लड़कियों को जो प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लिया जाता है उसको क्यों नहीं लिया जाता, उसको कौन लागू करवाएगा? वो जो तहसीलदार को आदर होना चाहिए, सरकार को उस पर गंभीरता कभी दिखती नहीं है, खाली कानून बनाने से कैसे काम चलेगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल बेहद सही आपने संजीदा से अपनी बात रखी कि कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको लागू भी करना होगा और उसका पालन भी करना एक अपने आप में एक बात होती है। अगर सरकार लागू करती है उसको और लेकिन अगर समाज उसका पालन नहीं करता है तो उस कानून की गरिमा ही समाप्त हो जाती है। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश जी लगातार दर्शकों की राय आ रही है, आप भी सुन रहे होंगे। एक दर्शक ने कहा है इसको लागू होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति की अगर बात कर दी उन्होंने की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए नागरिक तो समान है, छोटा है बड़ा है लेकिन नागरिक है, और संविधान में नागरिक के लिए ही व्यवस्था नागरिक ने स्वयं की है। बिल्कुल। तो इसलिए नागरिक के नाते जो नागरिक के संवैधानिक अधिकार हैं उनको सबको मिलना चाहिए, उसे किसी को अलग अलग नहीं करना किया जा सकता है। अब इन जिन्होंने जिन सज्जन ने कहा है कि सब उंगली बराबर नहीं है, ये ठीक है उंगली बराबर नहीं, लेकिन उंगलियों के फंक्शन अलग अलग है, लेकिन उंगलियों का जब मुट्ठी बनती है तो वो उसका महत्व और ज्यादा होता है। बिल्कुल। और उंगली का प्रभाव भी बराबर होता है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि प्रभाव अलग अलग है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। चलिए आपकी बात मैं समझ गया कि अनेकता में एकता की बात जो है यही भारत है यही हिंदुस्तान है। आपको रोकना चाहूंगा। एक दर्शक नीरज जुड़ चुके हैं हमारे साथ बैंगलोर से। नीरज अपनी राय रखें। उनको एकता में लाने की। नमस्कार जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ बातें सुन रहे थे कि कानून पालन करना, कानून पालन का सरकार का काम थोड़ी है, कानून पालन करना हमारा काम है। जी बिल्कुल। सरकार कानून लाएगी और हम ही उसको रूल तोड़ते रहे हैं तो हर जगह कहाँ कहाँ है, क्योंकि इतनी न पुलिस व्यवस्था है न सारी चीजें हैं, हर आदमी के पीछे पुलिस तो नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो कानून पालन करना हमारा काम है, सरकार कानून लाएगी हम उसको पालन करेंगे। यही बात कह रहा था।
जी और यही चीज बोल रहे हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन इसमें विरोध होता है एक ही कौम का, बाकी कोई कौम विरोध नहीं करता है। नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी। लेकिन बात अगर कौम की करी जाए तो यहाँ कौम की बात नहीं कर रहे, बात हो रही है कि आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है इस पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अपनी राय रखने के लिए। सर्वेश जी, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सबके मैरिज एक्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेबल है एक्ट, लेकिन इसी तरह उत्तराधिकार और तलाक को लेकर भी धर्म में अलग अलग व्यवस्था है। इस पर मैं आपकी राय जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। राजेंद्र, अपनी राय रखिए। भैया नमस्ते। जी नमस्कार। राजेश यादव बोल रहे आजमगढ़ से। जी जी बोलिए। ये जो आप कानून से बहस कर रहे हैं, कानून बना ही नहीं है, अब इसको बहस कर रखा हुआ है। अभी तो प्रधान से बात कर रहा है, इसको प्रधान अभी ना जेल में गए हैं, जो भ्रष्टाचार कहले हुए। हमारे यहाँ का प्रधान बड़ा भ्रष्टाचार कहले हुए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ना हो पाई बात का। सरकार हमारी बड़ा सुस्त हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी अपनी राय रखने के लिए और कॉल करने के लिए। सर्वेश जी, आप अपनी बात रखिए कि उत्तराधिकार और तलाक को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों में अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह की चीजें हैं, नियम कानून है, इस पर क्या कुछ कहना होगा? क्या इन चीजों के तहत यूसीसी लागू हो पाएगा? देखिए, जहां तक उत्तराधिकार की बात है, हिंदुओं में उत्तराधिकार में पहले पत्नी को प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं थे, और कानून में जब अधिकार मिले तो प्रॉपर्टी में और खासतौर से जमीन पर उसका एग्रीकल्चर लैंड में भी हिस्सा होने लगा और उसे स्वीकार किया। ऐसे ही जैसे जैसे उत्तराधिकार में प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, इनके जो समान अधिकार हैं फंडामेंटल राइट में, उनको जब उत्तराधिकार में लाया जाएगा तो हरेक को स्वीकार होगा, क्योंकि उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, उसमें सभी के बालकों की बात है, स्त्री पुरुष की बात है और समानता की बात है, इसलिए उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि तलाक में, तलाक डाइवोर्स सिस्टम जो है वो हिंदुओं में भी लागू हुआ, बिल्कुल मैरिज एक्ट में उसकी व्यवस्था दी गई, जबकि हिंदुओं में तलाक का कोई प्रश्न ही नहीं था, ईसाइयों में और मुस्लिम में था, क्योंकि वहां मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बिल्कुल यह एक सनातन व्यवस्था थी, एक परिवार की व्यवस्था थी। इसके बाद भी जब कानून बना तो आज हिंदुओं के भी परिवार के लोग, स्त्री पुरुष डाइवोर्स लिए जाते हैं कोर्ट में, लेकिन सर एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि हिंदू में सनातन व्यवस्था है और मुस्लिम में इसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह रखा जाता है, अगर हम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट और एक सनातन व्यवस्था को बराबरी का दर्जा देते हुए हम लागू कर सकते हैं? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है तो अलग चीजें हो जाती है, सनातन व्यवस्था अलग होगी। देखिए मैंने कहा ये था जी, ये कॉन्ट्रैक्ट और सनातन व्यवस्था में सनातन व्यवस्था वालों ने भी इसे स्वीकार किया जी, और इसी वजह से डाइवोर्स का कानून बना, उसे स्वीकार कर रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो सनातन व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन हुआ, बिल्कुल समाज और युग के अनुसार, तो समाज और युग के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि को रख करके अगर कोई जनता के लिए, नागरिक के लिए कोई अच्छे व्यवस्था हो सकती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छी व्यवस्था स्वीकार करना चाहिए। सनातन धर्म में भी युग के अनुसार परिवर्तन आया, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन करना। लेकिन अगर हम बात करते हैं तमाम पहलुओं पे कि अभी मैं आपको बता दूं, AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी का यह कहना है कि पर्सनल जो लॉ है, पर्सनल लॉज में भी काफी विविधताएं हैं, और अगर संसद में बहुमत से इसका इस्तेमाल किया भी जा सकता है तो समस्याओं का पिटारा खुल सकता है, क्योंकि इसे जमीन पर लागू करना संभव नहीं है अगर सामाजिक दृष्टिकोण की बात की जाए। देखिए, समाज और संसद ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, कोई भी कानून समाज जिसको अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, उस पर समाज फिर धीरे धीरे चलने लगता है। कोई भी नई व्यवस्था होती है उसका विरोध तो होता ही है। बिल्कुल, ये समाज में समाज का स्वभाव है। बिल्कुल,
लेकिन जो हितकर होता है, जिनके हित उसमें मारे जाते हैं, वो उनको हित लगता है तो वो खड़े होते हैं और फिर वही समाज उसके साथ लग जाता है और इसलिए समाज उसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है जी। लेकिन अगर शुरू ही नहीं होगा, 70 वर्ष हो गए शुरू नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि समान नागरिक संहिता क्यों नहीं बन रही है, जब उसने प्रश्न किया सरकार से, तो आज उसी प्रश्न के आधार पर 3 तलाक पर भी तो सुप्रीम कोर्ट के ही तहत हुआ ना। तो न्याय जो है वो सभी के लिए समान है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उस पर जब चिंता करता है तो सरकार और संसद उसके लिए कानून बना करके व्यवस्था देता है, सरकार उसे एग्जीक्यूट करती है, समाज उसे स्वीकार करता है। चलिए, आपने कहा कि सही कहा कि सरकार उसको करता है, लेकिन बिल्कुल बात सही है, सरकार कानून लाएगा, समाज उसको रूल अपनाएगा। अगर बात की जाए कई देशों की, तो तुर्की, सूडान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट और यहां तक कि पाकिस्तान में यह व्यवस्था लागू है। क्या अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान बांग्लादेश में जो स्थिति है वो हमारे देश से बिल्कुल अलग है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान का मुस्लिम धीरे धीरे, ये हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, उसने केवल पूजा पद्धति बदली थी और बाकी धीरे धीरे उसने अडॉप्ट किया है बाहर के जो संस्कृति है जी। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत मॉडरेट भी है, जैसे जैसे शिक्षा संस्कार बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसको स्वीकार करेंगे। 3 तलाक स्वीकार किया ना, गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी स्वीकार किया। बिल्कुल ऐसे ही मॉडरेट मुस्लिम, जो जिनको वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, जिनको विश्व का एक परिदृश्य है, धीरे धीरे जैसे आएगा वैसे वो भी अपना, कई मुस्लिम जो है 4 बीबी नहीं रखते, तो उन्होंने नहीं रखते हैं इसके मानी उनके मन में कहीं है कि जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, एक पत्नी रहना चाहिए, तो ऐसे ही पति पत्नी एक साथ रहते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है, लेकिन जितनी जल्दी कानून बनेगा उतनी जल्दी समाज में भी उसे एडॉप्शन, उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चलिए, आपने कहा कि उसको समाज को सुधारने के साथ जितनी जल्दी कानून लागू होगा, लेकिन जनसंख्या की आपने बात करी, क्या आपको लगता है इसके नियम लागू होने से जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से लगातार हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर एक गंभीर अपनी चिंता व्यक्त की है, इस पर भी एक ठहराव आ पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जितने शिक्षित हमारे कई मित्र हैं मुस्लिम, उनके एक या दो बच्चे हैं और एक पत्नी है, तो अगर उनके मन में ये बात नहीं है तो फिर वो पुरानी पद्धति पे वो भी रहते, लेकिन उनके मन में है कि सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले, अच्छी जीवन स्तर हो, और इसलिए उनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें, वो हमारे लिए करें, समाज में एक वातावरण अच्छा बने। और जब गरीबी बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती है तो उसका प्रभाव गरीबी पे होता है, और संसाधन प्रकृति के तो सीमित है, वो बढ़ाए नहीं जा सकते, जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती जी। तो इसलिए उस सीमित संसाधनों में अच्छा जीवन स्तर हो उसके लिए हम कह सकते हैं कि शिष्ट जीवन पद्धति लाने के लिए, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, जैन हो जी, वो उनको इसको स्वीकार करना पड़ता है और धीरे धीरे स्वीकार भी करेंगे। ईसाई भी स्वीकार करते हैं, मुसलमान भी स्वीकार करते हैं, हिंदू भी स्वीकार करता है। बिल्कुल, चलिए, आपने कहा कि ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब स्वीकार करता है, लेकिन बात आखिर मेरी वही है कि विविधताओं का देश है और कई कई चीजें भी आ जाती हैं। AIMPL के तमाम जितने भी महासचिव मौलाना सैयद वली रहमानी ने भी कहा था कि इसको लागू करने में दिक्कत हो रही है। आप बांग्लादेश की बात हुई है, NRC की भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि NRC की भी बात होनी जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मजहर नकवी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मजहर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो आपसे भी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, सबसे की एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं मजहर साहब, लेकिन जिस प्रकार से सर्वेश जी भी बात कर रहे हैं कि उसको लागू होना चाहिए, लेकिन AIMPLB के महासचिव मौलाना सैयद वली रहमानी का यह कहना है कि अगर इसको लागू किया देश में, क्योंकि पहली बात तो ये जरूरी नहीं है और ये अवांछनीय है, अव्यवहारिक है, इस पर आपका क्या मत होगा? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एकमात्र एजेंडा हमेशा से ये रहा है कि जब भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई होने वाली होती है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की दुहाई देकर उसको अव्यवहारिक भी करार देते हैं, गैर संवैधानिक भी करार दे देते हैं।
लेकिन ये बात एकदम अपनी जगह सही है कि 370 जब से धारा हटी है तब से जो मौजूदा सरकार है उसका आत्मबल और आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन देश में दुर्भाग्य से अभी 371 ए बी सी ई एफ ये जो प्रावधान है इन पर एक सार्थक बहस जो है नहीं शुरू की गई है। और मैं के न्यूज को मुबारकबाद दूंगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि इन मुद्दों पर खुलकर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये आपका कदम स्वागत योग्य है और ये बहस बहुत ही खुले दिल से और खुले विचार से होने की आवश्यकता है। अगर आप 371 ए बी सी एफ के प्रावधानों पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ हद तक गुजरात और महाराष्ट्र, यहां भी राज्यपाल को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है। जब हम देश में एक कानून की बात करते हैं तो हमारे सामने फ्रांस का मॉडल होता है, हमारे सामने आपको रोकना चाहूंगा। एक दर्शक हमारे साथ मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। आमिर साहब, राय रखिए आप। आमिर जी, राय रखिए अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। आदाब जी, राय रखिए आमिर जी। मेरी राय है कि नकवी साहब अभी कह रहे हैं 270 धारा हटने के बाद से सरकार हौसला बढ़ा है, ये हौसला की बात नहीं है। आज ही जस्टिस गोगोई साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई साहब ने हाई कोर्ट को कहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं हाई कोर्ट आऊंगा। समझिए कि क्या हाल है देश के, आप खुद को सोचिए। हमारा चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर आऊंगा। आज का बयान है नकवी साहब पर सुनने को पहले, अगर अर्थव्यवस्था ठीक है, कानून एक हो, उसे इतराज नहीं है, लेकिन कानून का सही तरीके से पालन हो और सही जो संविधान ने सबको वो दिया है अधिकार, समान अधिकार, संविधान के तहत सारा काम होना चाहिए। आज मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों कहना पड़ा ये बात, मैं ये जानना चाहता हूँ मदार नकवी साहब से। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मजर साहब, क्या सवाल जवाब है आपके पास? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय की एकमात्र टिप्पणी ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये कहता रहा है कि इस पर खुली बहस होना चाहिए, मैंने उसी का स्वागत किया है। और सरकार का आत्मविश्वास अगर ना बड़ा होता तो वो देश में एक भाषा और एक कानून की बात नहीं करते आमिर साहब। दूसरी बात ये है कि अगर वहां पर मानवाधिकार संस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भी नेता अभी तक घाटी में क्यों नहीं गया? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उन्होंने घाटी का दौरा किया नहीं, उन पर कोई प्रतिबंध अभी लगाया नहीं, ना उन्होंने कोई अपनी इच्छा जाहिर की। और मैं आपसे बहुत साफ कहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सरकार ने मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि जो संस्था का दर्जा दिया हुआ है घोषित, उसको वापस ले ले तो बेहतर होगा मुसलमानों के लिए। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने मजर साहब। हमारे साथ एक दर्शक बी एल बरूजा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बरूजा साहब, अपनी राय रखिए। जी बरूजा साहब, राय रखिए। हेलो जी, जो बनाए जा रहे हैं जी, तो उनमें जो है इनसे एक बात कही जाए, टाइम पे जो एक प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति ऐसे आए हैं जिन्होंने के एक हिम्मत करके ये सारे कानूनों को बदला, बदलने के बाद आज वो कहते हैं कि अपना इंदिरा गांधी ने जिस टाइम इमरजेंसी लगाई थी तो उस टाइम पे क्या अपना नाम क्या कोई क्यों नहीं बोला था? आज जो है 370 दफा 101 को हटाने से आज मुस्लिम कहते हैं ये हो गया वो हो गया, इंदिरा गांधी ने सोचे ही मुस्लिम को अपना नाम क्या पूरा उसका वो दिया है, उनको पूरा साथ दिया है। और उसके बाद आज ही ये जिस टाइम पे वहाँ श्रीनगर में सुरंग खोदी गई थी तो उस टाइम पे ये मिनिस्टर कौन थे? ये गुलाम नबी आजाद थे, और गुलाम नबी आजाद और इंदिरा गांधी को मालूम नहीं पड़ा था कि हिंदुस्तान से अपना पाकिस्तान में सुरंग खोदी जा रही है? आज ये कहते हैं कि अपना नाम क्या हमारा, इनको नजर बंद किया हुआ है, इनको नजर बंद नहीं करे तो और क्या करे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बरूजा साहब अपनी राय रखने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ राजेश प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। राजेश, राय रखिए आप। राजेश जी, राय रखिए अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। चलिए, लगता संपर्क राजेश जी से नहीं हो पा रहा है, सीधे रुक करते हैं मजर साहब का। मजर साहब, जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से गरमा चुका है मुद्दा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि इस पर एक खुली बहस भी होनी चाहिए, आपका क्या मत है? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात करते हैं उनको समस्याएं हो रही है, और साथ ही साथ जमीयत उलेमाए हिंद को प्रॉब्लम हो रही है कि ये लागू नहीं हो सकता, इस पर आपकी क्या राय है? उस पर आपसे जानेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अपनी राय रखिए आप।
कमल जी अपनी राय रखिए। हाँ, कमल अकबर बोल रहा हूँ जोधपुर से सर। जी, मेरी राय ये कि कानून तो बनना चाहिए और कानून पे अमल होना चाहिए। अभी यशपुरा की दसवीं तारीख में हमारे जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर एक गाँव में बजरंगदल वालों ने जोधपुर को रोक दिया हमारे जी, और इतना न्याय किया लेकिन किसी मीडिया वालों ने दिखाया, जैसे दो मीडिया वालों ने वहाँ कोई नहीं पहुँचा। अब कानून की बात करते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल जी अपनी राय रखने के लिए। मजर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ऐसा है कि कानून बनेगा लेकिन वो बनेगा तो संविधान के दायरे के अंतर्गत ही, और उसी संविधान में धारा 44 जो है वो मौजूद है, जिसमें राज्य को जो है ये विशेष अधिकार दिया गया है कि वो अपने यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करे। लेकिन यहाँ पर वोटों की राजनीति के कारण, कभी जातिवाद के कारण, कभी नेताओं की राजनीतिक इच्छा में कमी होने की वजह से धारा 44 जो है उसका पूरा का पूरा जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पाया। मेरा ऐसा मानना है कि संविधान में सिर्फ 370 की बात नहीं होना चाहिए, हमको अभी ये भी देखना होगा कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उस पर भी बहस उतने ही खुले दिल से होना चाहिए। खाली कश्मीर एक मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसमें उन सभी राज्यों को शामिल किया जाना चाहिए जहां के राज्यपालों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है और जहां की सरकारों ने जो है नागरिक समान कानून जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की पहल नहीं की हुई है। तो ये एक मुद्दा है जिस पर सार्थक बहस होनी चाहिए, लेकिन वो बहस पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो, क्योंकि जब भी ये बहस होने लगती है उस पर जो है टिप्पणियां होने लगती हैं, हमें लगता है कि इन कैमरा बहस कर लेने के बाद उसकी वीडियो क्लिपिंग देके एक ओपिनियन पोल कर लिया जाए और जो लोग समझते हैं। अब यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि देश बड़ा है कि समुदाय बड़ा है, देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है। तो जब आप जो देश को एक अच्छे रूप में ले जाना चाहते हैं, उसको मार्ग विश्व का जो है वो मार्ग गुरु बनाने के प्रयास में कर रहे हैं, तो हमको कई चीजों में बहुत ऊपर उठकर सोचना होगा और फैसला यही होना चाहिए जिसमें देश का हित छुपा हो। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि भी नहीं है कि अगर संविधान द्वारा प्रदत्त हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर हम जो है किसी प्रकार का कुठाराघात करें। इससे जो है देश में जो है जो विविधता में एकता दिखाई देती है उसमें बिखरना जो है वो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि जो कबायली संस्कृति है वो अपनी परंपराओं को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं है। आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का तमिलनाडु में खुलेआम जो है मजाक उड़ाया गया, वो ये गंभीर बात है। तो जब हम जो है ये सब बातें देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कश्मीर जो है वो एक प्रतीक नहीं होना चाहिए, जहां जहां पर भी विसंगति है उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार को पहले बहस करनी चाहिए, फिर उसके बाद इसको राज्यसभा लोकसभा में भी बहस होनी चाहिए और उससे पहले सभी दलों को, सभी धर्मगुरुओं को विश्वास में लेना होगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्थितियों को समझने के बाद ही सभी धर्मों को विश्वास, धर्मगुरुओं को विश्वास लेना होगा, उसके बाद ही इस कोड को लागू कर सिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बजर साहब जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। सर्वेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, और उन तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमें बताने के लिए। तो फिलहाल सुबह बोलेगा मैं आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।